वो काम मैं अभी 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 लेता हूँ ना, वो अभी टेस्ट लेता हूँ। ज्यादा खींच, इतने से नहीं निकलता, अंदर है खींच बहुत, पूरा दब जाए बहुत। अब जैसे कृति पिछली क्लास में नहीं आई थी, शायद आई थी। कृति आप आए नहीं थे पिछली क्लास में, क्यों, नो क्या हो गया? अच्छा, सर, वो मोबाइल खराब हो गया था ना, इसलिए। क्या खराब हो गई? हाँ सर, माइक सर, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल और दिनेश पांडे, दिनेश पांडे कौन है? हाँ, सर, शिवम सूरज। शिवम और सूरज, आप तो आए थे। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यही जो अभी हमने देखा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके आंसर को हम लिखते हैं या कोशेंट और साथ में रिमाइंडर, या कोशेंट प्लस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे लिखें? रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहां पे कोशेंट लिखें, फिर प्लस लिखते हैं, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ इस वाले पहले केस में क्या लिखूंगा मैं? 26 क्वेश्चन हाँ? रिमाइंडर। हाँ, क्वोशेंट कितना आएगा? 20 नहीं, क्वोशेंट जब मैं 20 को 6 से डिवाइड करता हूं, क्वोशेंट तो यहां आता है और ऊपर वाला। जीरो 0 क्यों आएगा? आप 20 को डिवाइड करो ना, 20 20 को हमने 6 से डिवाइड करना है। और डिवीजन का क्या मतलब होता है कि 6 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई प्ले। करूंगा कि वो मेरे को या तो 20 मिल जाए या 20 के नजदीक मिले। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 4 अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से, 4 जा 3 24, वो तो 20 से बड़ा हो गया। हाँ, से, 3 से तो 2, 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया? 18, 18। 19, 19 कहाँ? 6 3 जा 18। फिर इन दोनों को माइनस किया, 20 माइनस 18 कितना हुआ? 2। तो अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या मैं, ये पहला तरीका कैसे है, इसमें कोशेंट लिखना है, कोशेंट तो ये रहा 3 एंड रिमाइंडर 2। एक तरीका ये, कोशेंट। दूसरा तरीका है, कोशेंट कितना है? हाँ, और जब अगर मैंने बीच में प्लस लिखा, अब देखो यहां इस वाले एग्जाम ऊपर वाले इस तरीके से यहां सिर्फ आर लिखना है, प्लस नहीं लिखना है। लेकिन अगर मैंने प्लस लिखा तब मेरे को एक फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन किस किस का बनाना है? डिवाइजर, तो यहां पहले 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 6। तो दो तरीके से आंसर क्या आ गया मेरा? आंसर सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। या मैं इसको लिख सकता हूं, या इसको मैं लिख सकता हूं 3
रिमाइंडर टू, या मैं लिख सकता हूं थ्री प्लस टू अपॉन सिक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये समझ में याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। 20, 25 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका आंसर बताओ। ऐसे ऐसे कोशेंट और रिमाइंडर के शक्ल में भी बताओ और ऐसे भी बताओ, क्या आएगा आंसर? ट्वेंटी फाइव को फोर से डिवाइड करना है। जीरो। जीरो कैसे आपका आंसर आ जाता है? ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर कैसे लिखते हैं कि 25 को डिवाइड करना है फोर से, और फिर डिवीजन कैसे करते हैं कि फोर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि मेरे को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद या तो 25 मिले या 25 के नजदीक मिले। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? तो बताओ कौन बताएगा? ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करूंगा या 24 बनाना है मेरे को? 24 बनाना है सर। हाँ तो फिर मल्टीप्लाई किससे करूंगा? सिक्स से। हाँ तो यहाँ ऊपर लिखूंगा सिक्स, फिर सिक्स को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 4 24, और फिर माइनस किया तो कितना रिमाइंडर आया सर? 1। हाँ तो अब इसको अगर मैंने लिखना है आंसर तो मैं या तो लिखूंगा रिमाइंडर 1, ऐसे लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं 6 1 अपॉन 4। मैं डिवाइड तो 4 से कर रहा हूं, 6 मेरा कोशेंट है, 1 रिमाइंडर है और 4 डिवाइजर है। डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करते हैं, वो नीचे लिखना होता है। अब मैं नया क्वेश्चन देता हूं। 30 डिवाइडेड बाय 6, बताओ। 6 के डेन में 30 आता है? 6 के डेन में 30 कितने पे? 5 पे ना? 6 पे 30 सेंटे 36 छोटे वाली है? 6 के डेन में 30 कितने पे आते होती है? 5 पे। तो कितना बोल रहा है? आंसर क्या आएगा? 6 कैसे आएगा? यहाँ किसको डिवाइड करना है सर? 36
थर्टी को डिवाइड करना है, सिक्स से डिवाइड करना है। और डिवीजन में हमने क्या सीखा कि सिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करो कि मेरे को थर्टी मिल जाए या थर्टी के नजदीक मिले। सर क्या वो क्वेश्चन फाइव है? हाँ, तो जीरो, सिक्स फाइव या थर्टी और रिमाइंडर जीरो हो गया। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा सर? क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो। या इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव प्लस सर जीरो रिमाइंडर जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स। सिक्स, वेरी गुड। तो हमने ये, हमें ये मालूम है कि अगर जीरो को कोई भी किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनी नंबर किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये तो कट ही गया, आंसर आ गया फाइव। इसमें भी आंसर फाइव ही है क्योंकि रिमाइंडर जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, उसमें मुझे बताना। चलो बताओ, शाबाश। फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, अगर इसको पढ़ना, अगर हमने पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे? या तो हम इसको लिखेंगे फोर्टी थ्री अपॉन सिक्स, ऐसे पढ़ सकते हैं, यहां इसको हम पढ़ सकते हैं फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स। और इसका मीनिंग क्या है, किसको डिवाइड करना है? सर हो गया। हाँ बताओ सर वो क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन रिमाइंडर वन, दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? सर सेवन प्लस वन डिवाइडेड सिक्स। वेरी गुड। तो यहां पे ये पहले ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हमने लिखा, पहले हमने क्वोशेंट लिखा और रिमाइंडर लिखा। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने क्वोशेंट लिखा और जो रिमाइंडर बच गया उसको भी डिवाइड करना है, डिवाइड, हाँ, जिससे हम 43 को डिवाइड कर रहे थे। जो ये वाला तरीका है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। लिखो मिक्स्ड नंबर। और अगर आप मिक्स्ड, मिक्स का क्या मतलब होता है? मिक्स मतलब उनको मिलाना। इसमें किस किस को मिलाया हमने सर? सिक्स और वन और सेवन को नहीं, इसको हमने, एक तो ये नंबर है सेवन और ये एक नंबर है वन अपॉन सिक्स, इन दोनों को हमने मिक्स किया, प्लस किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं
ऐसे लिखने को सेवन, और अगर ये प्लस का साइन मैं बीच में से मिटा दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं सेवन वन अपॉन सिक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि जो बीच में प्लस साइन था वो मैंने मिटा दिया। तो ये ऐसे लिखने को सेवन होल वन अपॉन सिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर। ओके, पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी आपका क्या नाम है, माइक ऑन करके बताओ। शाबाश, आप न्यू स्टूडेंट है, बताओ बताओ, शाबाश। माइक, उसको जो माइक का बटन है ना उसको प्रेस करो, फिर आप बोल सकते हो। चलो कोई बात, इसके बाद हमने क्या सीखा था, इसके बाद हमने सीखा था ये, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये याद है, आपकी आवाज बार बार पॉज हो जा रही है और सुनाई नहीं दे रही। एक तो आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ अपने मोबाइल का वॉल्यूम, अब सुनाई दे रहा है क्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपकी आवाज बार बार पॉज हो जा रही है। डॉली, कौन सी क्लास क्लास टू, फिर ये तो क्लास टू तो आपकी वो सुनीता मैम की क्लास है। हाँ, ये तो क्लास टू नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे उनका लिंक नहीं आया, मंजूसा मिस डॉली, कहाँ से आप ज्वाइन करते हो, हकीमाबाद, कौन सी जगह से, हकीमाबाद। हाँ, आपके वहाँ पीछे कौन है, उनसे बात करो, मम्मी से बात करो। हाँ, ये डॉली कौन सी सेकंड क्लास में है, हाँ सेकंड क्लास में। आपने ये कहाँ से ज्वाइन करते हो, हकीमाबाद कहाँ पे है, हकीमाबाद यहाँ है एयरटेल टावर के पास, हकीमाबाद पड़ता है, एयरटेल टावर है ना, हाँ हरियाणा में, नहीं यहाँ है ज्ञान दीप स्कूल जो है ना, नहीं नहीं जगह का नाम बताओ ना, हकीमाबाद है, नहीं नहीं मेरा मतलब तहसील कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, समस्तीपुर है, समस्तीपुर, अच्छा समस्तीपुर। सर यू टेल टेस्ट सर, अच्छा चलो भाई, ये तो वैसे सेकंड क्लास नहीं है, सेकंड क्लास में ये पहले जाती थी क्या, दूसरी क्लास में, नहीं यार फर्स्ट बार ज्वाइन किया, फर्स्ट बार, नहीं तो आपको कहाँ से पता चला ये क्लास में ज्वाइन करना है, ये लिंक कहाँ से मिला, इनके पापा भेजे अभी व्हाट्सएप पे ना, तो हम ज्वाइन किए। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो ये थोड़ी बड़ी क्लास है, ये तीसरी और चौथी क्लास है, इसको थोड़ा मुश्किल होएगा, तो सेकंड क्लास का मैं आप मेरे को आप लिख लेना, आपके पास हमारा नंबर है ना व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपने भेजा, 99 99 600 283, ये नंबर लिख लो, इस पे फिर आप मैसेज या अपना वॉइस भेज देना, वॉइस रिकॉर्डिंग की, आप कौन सी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, फिर मैं अलग से आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, ठीक है सर।
तब तक ये देख सकती है बोर्ड को, अगर समझ में आ रहा है इसको तो चलो अच्छी बात। डॉली इधर आओ। अभी देखो बाकी स्टूडेंट्स, आप हमने क्या देखा था, जो ये मैथ ऑपरेशन है, मैथ में जो हम करते हैं, या तो हम क्या ऑपरेशन करते हैं, एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जोड़ना, एडिशन सिंबल, सब्ट्रैक्शन सिंबल, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, डिवीजन डॉट। नहीं अभी 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 हमें ये याद रखने कि जब भी हम दो नंबर को जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, जैसे 4 + 3, तो ये जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा जवाब आता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, SUM, सम। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, या जिसको हिंदी में बोलेंगे घटाते हैं, जैसे 3 - 2, जो हाँ 3 - 2 जो हमारा आंसर आएगा, जवाब जो आएगा, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस। ये आप लोगों को याद रखना है और कॉपी में लिखना भी है कि सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम डिफरेंस बोलते हैं, एडिशन के आंसर को हम सम सम बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन के आंसर को हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट या दोनों नहीं है, या प्रोडक्ट बोलो या मल्टीपल, कुछ भी बोल सकते हो, और डिवीजन के आंसर को क्वोशेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। अच्छा फिर मैं आपको, फिर मैं ऐसे सवाल पूछ सकता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 54 and 28? ये सवाल है। तो मैंने क्या पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 54 and 28? तो मुझे आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा? तो इस वर्ड से, पहले इस वर्ड से आपको पता चलना चाहिए कि हमने करना क्या है सर। क्लास क्या करना है, कौन सर क्लास के बीच में, क्लास के बीच में बार बार आपकी वॉइस पॉज हो जाती रही है और मुझे वापस करके ज्वाइन करना पड़ रहा है। अच्छा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर, टक्कर टक्कर आ रही है आपकी आवाज, तो नहीं दे रही है। हाँ वही, वो मुझे लगता है आशुतोष के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद स्लो हो गया होगा, कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अभी बताओ आंसर, मुझे बताओ इसका, इस क्वेश्चन का, अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 54 and 28? पहले आप क्या समझे हो इस, ये जो सवाल है इससे क्या समझे आप, क्या करना है हमें? शाबाश, क्या समझ में आया? कौन बताएगा क्या करना है सर? हमें इसमें डिवाइड करना है। नहीं डिवाइड थोड़ी ना होता है, ये डिफरेंस कब करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है, वेरी गुड, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है हमें माइनस करना है,
तो करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। तो ये जो वर्ड है बीच में, इनको भी, इनको आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका मीनिंग क्या है। डिफरेंस का, डिफरेंस का मीनिंग है सब्ट्रैक्शन करो, इसलिए ये वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है डिफरेंस का मीनिंग। सर 26, तो हम 54 को, 54 में से 28 जब माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 26। सो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 एंड 28, यू विल से द डिफरेंस इज 26। इसी प्रकार से अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 8, बताओ आंसर। 48, क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किस किस को? 16, 8, 8, 6, 48, 4, 1, 4। 16 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो करो 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? सर 128। हाँ 128 आएगा। कैसे? पहले 8 को 6 से किया, 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो गया 12, तो आंसर आ गया 128। जैसे यहां पे आंसर क्या आया था 26। इसमें दो चीजें समझनी है, एक तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इसका मीनिंग क्या है। जब मीनिंग पता चला तो फिर आपने वो ऑपरेशन करना है, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको करना भी ठीक से है। जैसे अभी रोशन ने किया तो उसने थोड़ी सी गलती कर ली तो आंसर गलत आ गया, उसने 48 बोल दिया। तो हमें अगर पहले पता चलना चाहिए कि करना क्या है और उसको फिर ठीक से करना भी है। What is the sum of 16 and 32? 32. तो क्या करना है हमें? पहले समझना है आपको कि हमें करना क्या है। सर 48। क्या किया आपने? 3 + 4 = 6 + 2 हाँ, नहीं तो आपने इनको आपस में कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन ऑपरेशन। एडिशन किया आपने, वेरी गुड। एडिशन, तो इस वर्ड से पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये आवाज नहीं डाल। तो जब 16 और 32 को ऐड करना है फिर आप इसका आंसर निकालोगे 48। ठीक है, तो ये जो तो ये जो आपके वर्ड्स हैं इनको समझना है, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम। इसी तरीके से मैं कुछ और भी पूछ सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा व्हाट इज
क्वोशेंट ऑफ 48 एंड 6 सर 8 तो आंसर आ गया 8। कैसे 8 आया? क्वोशेंट से हमें पता चल गया कि हमने इन दो को डिवाइड करना है, तो 48 को 6 से डिवाइड किया, 6 8 48। सो ये जो वर्ड्स हैं, ये इनको हम अंडरलाइन करेंगे, इनको हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। ब्लैक कलर डिफरेंस डिफरेंस प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर डिफरेंस सबट्रैक्शन प्रोडक्ट मल्टीपल सम एडिशन क्वोशेंट डिवीजन। हाँ, तो ये याद रखने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने डिवीजन की प्रैक्टिस की थी, डिवीजन के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस की? मेथड वाले हाँ लॉन्ग मेथड वाले डिवीजन प्रैक्टिस वर्क और डिवीजन प्रैक्टिस वर्क में भी हमने लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन, लॉन्ग मेथड की खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओके सर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप अभी करके मेरे को उनका आंसर व्हाट्सएप करना। सर होमवर्क हाँ होमवर्क है, लॉन्ग मेथड सेवन 45 डिवाइडेड बाय 5 1876 डिवाइडेड बाय 7 सर हमें सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में करके लाना है नहीं, इसको लॉन्ग मेथड से आपको करके दिखाना है, लॉन्ग मतलब मतलब आपको एक्चुअली डिवाइड करना है, जैसे अगर इसको डिवाइड करना है इसको ऐसे करके आपने करके सम दिखाना है, सिर्फ आंसर ही नहीं लिखना है, एक एक स्टेप वाइज लिख के आपको मुझे दिखाना है, उसमें रिमाइंडर कुछ भी आ जाए या जीरो आए या कुछ भी आए, लेकिन जो ये स्टेप्स आप करोगे ये ठीक से होने चाहिए, पूरा स्टेप मेरे को दिखाना है आपने। ओके सर अगर मैं अगर ऐसे अगर मैंने ऐसे लिखा है तब भी आपको ऐसे करना है, अगर मैंने इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 745 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी करना ऐसे ही है, लॉन्ग मेथड से ही करना है, ठीक है? जैसे अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है
ये क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसको मैं वैसे अलग तरीके से लिखूंगा, उसको मैं लिखता हूं फोर्टी थाउजेंड नाइन्टी सिक्स एट। तो मैंने इसको सिंबल की तरीके से लिखा है, लेकिन आपको इसको करना तो ऐसे ही है लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। थ्री क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये मैं इसकी फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप, तो आप ये सारे तीनों क्वेश्चंस करके दिखाना मेरे को। ओके सर। चलो ओके, देन मैं क्लास एंड करता हूँ। ये करके कॉपी की फोटो खींच के मेरे को वापस व्हाट्सएप करना। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर।